राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणा का भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध कर दिया। विधायक की बात सुनते ही मुख्यमंत्री असहज महसूस करते हुए विधायक की तरफ देखने लगे। दरअसल एमपी नगर में गायत्री मंदिर के पास भोपाल मेट्रो के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यह मेट्रो भोज मेट्रो के नाम से जानी जाएगी। मुख्यमंत्री का संबोधन खत्म होते ही भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर किए जाने का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में धन्यवाद भाषण के लिए मंच पर आए विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री की ओर देखते हुए कहा, दादा भाई राजा भोज के नाम से कई काम हो चुके हैं और हो रहे हैं, इसीलिए मेट्रो प्रोजेक्ट का नाम भोपाल मेट्रो ही रहने दिया जाए। राजधानी में चलने वाली मेट्रो रेल जयपुर की मेट्रो रेल जैसी ही होगी, लेकिन वहाँ 6 कोच की मेट्रो चलती है। यात्रियों का स्टेशन पर ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, उन्हें हर 5 मिनट में स्टेशन से मेट्रो रेल मिलेगी। भोपाल का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य समझे। आज हमें अपने आप में भी परिवर्तन लाना है। हम जब तक अपने आप में परिवर्तन नहीं लाए, विश्व में परिवर्तन हुआ, देश में परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ, मेरा प्रश्न है कि हम में परिवर्तन हुआ? हमारी सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है, हमारी आदतों की में परिवर्तन की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि जितनी जागरूकता भोपाल में है, जितनी चेतना भोपाल में है, भोपाल पूरे मध्य प्रदेश में एक इसमें नई लीड लेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय महापौर जी, माननीय विधायकगण, उपस्थित सभी आदरणीय पार्षदगण, सभी आदरणीय अधिकारीगण। इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गायत्री मंदिर के पास मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। 11 पंडितों ने मुख्यमंत्री से भूमि पूजन कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पट्टिका का अनावरण किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मंत्री पीसी शर्मा, गोविंद सिंह, आरिफ अकील और जयवर्धन सिंह, पूर्व सांसद सूरज पचौरी और महापौर आलोक शर्मा मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश एक इतिहास बनने जा रहा है। युवा अवस्था में जब भोपाल आते थे तो यहाँ की झील को देखकर दुख होता था। जब मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री था तब इस झील के रखरखाव के लिए राशि आवंटित की थी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए मुझे यह अनुभव हुआ है कि जब मेट्रो रेल जयपुर में दिल्ली में चल सकती है तो फिर भोपाल में क्यों नहीं आ सकती। उन्होंने भोपाल मेयर से अपील की कि आप यहां के लोगों की मदद करें, दिल्ली जाएं और केंद्र सरकार से मदद की अपील करें। मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को और उनकी सरकार को, जिन्होंने आज भोपाल मेट्रो का शिलान्यास किया है और हमें उम्मीद है कि समय सीमा में वे इसे पूरा करा लेंगे, क्योंकि मैं 40 साल से कमलनाथ जी को जानता हूं। जो काम वो हाथ में ले लेते हैं वो निश्चित तौर पर पूरा होता है। सर, राजा भोज के नाम पर भोपाल मेट्रो का नाम क्या है? नामकरण का जो काम है वो सरकार का है, मेरा नहीं। सर, साधी प्रज्ञा सिंह को भी आना था, नहीं आ पाए मंच पर? आमंत्रित तो किया गया था उनको, शायद कहीं व्यस्त होंगी। भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। खटलापुरा हादसे के बाद भोपाल प्रशासन द्वारा नवरात्रों के लिए जारी गाइडलाइंस का बीजेपी ने विरोध किया। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अगर साउंड का प्रतिबंध हम पर लागू हुआ तो फिर कभी किसी का साउंड नहीं बजेगा। राजधानी भोपाल के खटलापुरा नाव हादसे के बाद दुर्गा पांडालों और प्रतिमाओं को लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइन पर सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को हुई जिला योजना समिति की बैठक का बीजेपी सांसद और विधायकों ने बहिष्कार किया। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने प्रशासन की नई गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। साध्वी प्रज्ञा की माने तो प्रशासन का आदेश हिंदू धर्म विरोधी है। साध्वी प्रज्ञा ने प्रतिमाओं की ऊंचाई के साथ ही दुर्गा पांडालों में डीजे साउंड बजाने की समय सीमा तय करने का भी विरोध किया है। साध्वी ने ऐलान किया है कि अगर साउंड का प्रतिबंध हम पर लागू हुआ तो फिर किसी का भी साउंड नहीं बजेगा। तब तक देवी की आराधना चलेगी जब तक साउंड बजेगा। संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने हमारे पास आकर के जो ज्ञापन दिए उसके साथ ही जो एक फरमान जारी हुआ है,
सरकार की तरफ से वो फरमान जो उन्होंने दिया है वो हमें स्वीकार नहीं है। किसी भी हिंदू को ये स्वीकार नहीं होगा कि उसकी पूजा पद्धति में उसके अनुष्ठानों को आप किसी भी प्रकार से छेड़खानी करें। जो शास्त्रोक्त नियम है हम उनके अनुसार चलते हैं और उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। परंतु जैसे ही हिंदू तीज त्योहार आते हैं, ये कांग्रेस का नियम है कि तत्काल से नियम और तमाम सारे कानून और नियम लागू करने लगते हैं। अभी 11 बच्चे गणेश विसर्जन में शांत हो गए, परंतु जो भी भोपाल का प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, उसने पूरा ढीकरा हिंदू समाज के ऊपर फोड़ दिया और एक फरमान जारी किया जो आपके समक्ष है। ये इसमें नियम लिखा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको कि आयोजन समिति जो है वो अपना पूरा वर्णन करेगी, मूर्ति का विवरण रहेगा, उसकी ऊंचाई भी बताई जाएगी, स्थापना स्थल का पूरा विवरण रहने वाला है, विसर्जन का विवरण रहने वाला है। उसके साथ ही अगले त्योहार से 6 मतलब जो उनका कहना था गणेश जी के त्योहार के पश्चात 6 फीट से अधिक ऊंचाई का की मूर्ति नहीं लगाऊंगी, यानी वो शपथ पत्र एक संकल्प पत्र भरवा रहा है। ये फरमान उन्होंने जो जारी किया है, वो फॉर्म जो भरवा रहे हैं वो कितना अनैतिक है, कितना गलत है, गैर कानूनी है और हमारे त्योहारों के विरुद्ध है। और कभी भी पीओपी की मूर्ति नहीं लगाऊंगा। पीओपी की मूर्ति के लिए हम पहले भी मना कर चुके हैं, वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम पहले ही कह चुके हैं उसके लिए कि पीओपी की मूर्ति नहीं लगाना। देश हमारा है और देश प्रकृति हमारी है, हम उसके साथ जीवन जीते हैं, इसलिए जो भी प्रकृति के लिए नुकसान होगा वो तो नहीं करना है। कोई भी आधुनिक ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो, पर जो प्रकृति को नुकसान हो ही नहीं सकता, हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि मूर्ति 6 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंडाल में रात्रि 10 बजे से प्रातः 10 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग में नहीं लाना चाहिए, कारण नहीं लगे नहीं लाना है। एक बात बताइए, हमारा जो मुहूर्त होता है वो 4 बजे से प्रातः शुरू होती है और 4 बजे से लेकर के हमारी पूजा पाठ शुरू होती है, हम कैसे इनका फरमान मानें? इनका बिल्कुल हमारे धर्म विरोधी है, इसलिए हम इसको अस्वीकार करते हैं। हमारे कभी कभी त्योहार जो आते हैं हम उस पर पूरा साउंड बजाएंगे और साउंड का अगर प्रतिबंध हमारे ऊपर लगता है तो कभी भी किसी का साउंड बजेगा नहीं। पंडाल एवं झांकी में फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी का पूर्ण जिम्मेदारी जो मूर्ति बिठाएगा उसकी होगी। अग्निशामक यंत्र वो रखेंगे। स्थापना स्थल से लेकर विसर्जन स्थल तक शासन प्रशासन द्वारा जारी कानूनों आदेशों निर्देशों को पालन करना है और सभी समिति के सदस्यों से पालन करवाना है। उल्लंघन को की स्थिति में हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, मतलब इतना मजबूर कर रहे हैं ये लोग। इस आयोजन द्वारा कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी आयोजन समिति और अध्यक्ष की होगी। ये फरमान हमें पूर्णतया। भोपाल से गजेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। इंदौर शहर के एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। होटल के कमरे में लाश मिलने के बाद होटल स्टाफ सहित आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक आईटी इंजीनियर, उसकी पत्नी और 2 जुड़वा बच्चों की लाश बताई जा रही है। इंदौर के अपोलो डीबी सिटी में रहने वाले आईटी इंजीनियर अभिषेक, पत्नी प्रीति और उसके 2 जुड़वा बच्चों की लाश गुरुवार को क्रिसेंट रिजॉर्ट के कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिली है। बताया जा रहा है अभिषेक एक दिन पहले क्रिसेंट रिजॉर्ट में कमरा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रुका हुआ था, लेकिन गुरुवार को शाम तक परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया तो होटल प्रबंधन ने मास्टर चाबी से कमरे को खोला। कमरा खोलते ही होटल स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड पर अभिषेक, पत्नी प्रीति और उनके 2 बच्चों की लाश पड़ी थी। संजू का लो हटो ना, कितनी गया थोड़ा सा, 2 मिनट।
पूर्व शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर तंज कसा और इस दौरान पूर्व मंत्री ने झाबुआ विधानसभा उपचुनाव जीतने का दावा भी किया। पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता जयभान सिंह पवैया एक दिवसीय दौरे पर खरगोन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन जागरण सभा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों पर प्रदेश कमलनाथ सरकार को घेरते हुए जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के नाम पर सिर्फ झूठ का पुलिंदा परोसा जा रहा है, लेकिन किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएं कि वह कांग्रेस पार्टी के हैं या किसी अन्य पार्टी के। देखिए, प्रकृति की आपदा को रोकना न हमारे हाथ में न सरकारों के होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उस टूटे हुए आदमी को हाथ पकड़ कर उठाना ये सरकारों का धर्म होता है। हमारी सरकार के समय तो चार गांव में भी ओले पड़ते थे तो मुख्यमंत्री खेत पर खड़े दिखाई देते थे। आज किसान असहाय अनुभव कर रहा है। 863 रुपया केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही जो दिया है उसमें एक रुपये का हिसाब वो नहीं दे पा रही है, किसानों को दिया कि नहीं। केंद्र सरकार से जो इमदाद होगी उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, उसके लिए कौन मना करता है। आखिर मध्य प्रदेश का किसान केंद्र सरकार के लिए भी वैसा ही है जैसा मध्य प्रदेश सरकार के लिए। लेकिन केवल इतना रोना रोककर और केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ना, ये पाप है। सब वही सरकार है, वही खजाना है। आखिर हम किसानों के घर में 25,000 रुपया बेटी की शादी के लिए, किसान को खाने के लिए अनाज की व्यवस्था तत्काल कैसे कर देते थे। आज तो सड़कों पर चंबल में शरणार्थी की तरह लोग बैठे हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला खरगोन जिले के खामखेड़े का है, जहां लोकायुक्त की टीम ने एक नर्स को 500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कसरावत तहसील के ग्राम खामखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला नर्स जयंती पाटीदार ने अरविंद सोलंकी की बहू को अस्पताल से डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और शेष राशि की मांग की थी, जिसके एवज में नर्स जयंती पाटीदार द्वारा 1,000 रुपये की मांग की गई, जिसके लिए फरियादी द्वारा 400 रुपये दिए गए थे। इसके बाद भी वह रुपये मांग कर रही थी, जिसके चलते फरियादी अरविंद सोलंकी ने इंदौर लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर लोकायुक्त ने गुरुवार को नर्स जयंती पाटीदार को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि प्रसव पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है जो महिला के जीवन में बहुत ही ये होती है, यानी कि महिला ही जानती है कि ये इस प्रकार की पीड़ा क्या कहलाती है। तो भविष्य में ऐसा कुछ भी हो तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि महिला होते हुए भी इसने एक महिला का दर्द नहीं समझा श्रीमती जयंती पाटीदार जी ने, इस वजह से हमें कार्रवाई करना पड़ी और हम यही कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको शिक्षा लगे। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी नर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खरगोन से त्रिलोक रामणेकर की रिपोर्ट।